आपका गवर्नमेंट जॉब्स चैनल में स्वागत है। जॉब्स एडमिट कार्ड रिजल्ट एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देंगे जीपीएटी एप्लीकेशन फॉर्म 2020। तो आप सब कैसे अप्लाई करेंगे फॉर ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो पूरी जानकारी के लिए सभी एलिजिबल स्टूडेंट्स, आप नेशनल टेस्ट एजेंसी के लिए जो जल्द जारी करने जा रहे हैं कि नेशनल लेवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को, तो आप सीबीटी एडमिशंस टू फार्मेसी प्रोग्राम्स के लिए कैसे अप्लाई करेंगे एंड इसकी डेट्स क्या होंगी एग्ज़ाम की, तो पूरी जानकारी के लिए आप सब वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। जानकारी के लिए हम आपको लेके चलते हैं वेबसाइट पे gayatrijobs.com पे। फार्मेसी कोर्सेज के लिए भारत भर में पात्र छात्रों से ऑनलाइन जीपीएटी एप्लीकेशन फॉर्म 2020 को जारी किया गया है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए फार्मेसी प्रोग्राम्स में प्रवेश के लिए नेशनल लेवल जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी आयोजित करने जा रही है। ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट 2020 राष्ट्रीय परीक्षण जो एजेंसी है वो एनटीए द्वारा 28 जनवरी 2020 को दोपहर 2:30 बजे से आयोजित की जाएगी और 5:30 बजे तक। जो उम्मीदवार जीपीएटी 2020 में क्वालिफाइड करेंगे उन्हें पूरे राष्ट्र में एम फर्म फार्मा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का मौका मिलेगा। तो जीपीएटी इम्पॉर्टेंस डेट 2020, जो इसके 2020 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं वो 1 नवंबर से हैं। लास्ट डेट ऑफ जीपीएटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर है एंड द डेट ऑफ चॉइस ऑफ सिटी जो है आपकी 1 नवंबर 2019 से 2 दिसंबर 2019 से 11:50 PM तक है एंड प्रिंटिंग द ऑफ जीपीएटी एडमिट कार्ड 24 दिसंबर से एंड जीपीएटी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट डेट है वो 28 जनवरी 2020 है एंड डिक्लेरेशन ऑफ जीपीएटी रिजल्ट 7 फरवरी है एंड जो ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है जो जीपीएटी के 2020 के एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी होंगी। ग्रेजुएट डिग्री इन फार्मेसी इन 4 ईयर आफ्टर 10+2 इंक्लूडिंग लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स एंड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अपीयर्ड इन द लास्ट ईयर ग्रेजुएशन डिग्री स्टूडेंट में अप्लाई आल्सो। एज लिमिट है 1 ईयर है एंड एप्लीकेशन फीस जनरल एंड जनरल ओबीसी एनसिल की 1600 रुपये है और एससी एसटी ट्रांसजेंडर की गर्ल्स की 800 रुपये है। एंड हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, आप सब अप्लाई कैसे करेंगे? तो आप सभी कैंडिडेट जब आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो आप उसे फिल करने के बाद उसकी नोटिफिकेशन को वेरी केयरफुली आप ट्रीट करेंगे एंड मतलब उसको ध्यान से फिल करेंगे। जो एप्लीकेशन नंबर होगा उसे जनरेट करेंगे एंड ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे एंड हमें नोटिफिकेशन की PDF प्रोवाइड कराई है। आप साइट पर जाकर इसकी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं एंड ऑफिशियल लिंक भी प्रोवाइड कराया है। तो आप इसी रिकॉर्डिंग आप GPAT फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।